नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी .com। बढ़ते हैं इस वक्त की 5 बड़ी खबरों की तरफ। कालीचरण खुजराहो से गिरफ्तार, रायपुर में धर्म संसद में महात्मा गांधी पर की थी अमर्यादित टिप्पणी। छत्तीसगढ़ की रायपुर पुलिस ने धर्म संसद में महात्मा गांधी के खिलाफ अपमानित करने वाले कथित भड़काऊ भाषण के लिए मध्य प्रदेश के खुजराहो से कालीचरण महाराज को गिरफ्तार कर लिया है। यही आपको बता दे, उनके खिलाफ रायपुर में टीकरा पारा थाने में मामला दर्ज किया गया था। इससे पहले उसे फरार बताया जा रहा था। कालीचरण महाराज के खिलाफ रायपुर में 2 थानों में केस दर्ज है। इसके बाद से ही पुलिस उनकी तलाश का काम कर रही है। रायपुर में ASP प्रशांत अग्रवाल ने बताया है कि रायपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि वे खुजराहो के एक होटल में ठहरे हैं। WHO की मुख्य वैज्ञानिक सौम्य स्वामीनाथन ने कहा, ओमिक्रॉन के खिलाफ टीके अभी भी काफी प्रभावी। दुनिया भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस पर WHO की मुख्य वैज्ञानिक सौम्य स्वामीनाथन ने कहा है कि वैक्सीन की प्रभावशीलता के लिए कई कारक जिम्मेदार हैं। एक तो वैक्सीन ही है, दूसरा उम्र जैसी जैविक कारक है। स्वामीनाथन ने जोर देते हुए कहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट दुनिया भर में तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि यह संक्रमण टीकाकरण और बिना टीकाकरण वाले दोनों लोगों में हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज उत्तराखंड को देंगे अरबों से तैयार होने वाला इन 23 बड़ी योजनाओं की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के हल्दीद्वानी में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इसी बीच आपको बता दें, वे उत्तराखंड को 17,000 करोड़ की सौगात भी देने वाले हैं, जिसमें PM मोदी 14,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास तो करेंगे ही और साथ ही साथ लोकार्पण भी करेंगे। आपको यही बता दें, वे उद्यम सिंह नगर में खुलने वाले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स के सैटेलाइट सेंटर, पिथौरागढ़ में मेडिकल कॉलेज और 300 मेगावाट की UJVN की लखाड़वाड़ बहुउद्देशीय परियोजनाओं समेत अन्य विकास योजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे। CM योगी आदित्यनाथ ने बदला एक और नाम, झांसी रेलवे स्टेशन अब वीरांगना लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाएगा। UP के CM योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक और रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया है। इसी बीच आपको बता दे, अब झांसी रेलवे स्टेशन का नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। झांसी रेलवे स्टेशन अब वीरांगना लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाएगा। यही आपको बता दे, केंद्र सरकार की ओर से झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन करने की मंजूरी देने के बाद लोक निर्माण विभाग ने भी सभी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। एम्स निदेशक डायरेक्टर गुलेरिया की सलाह, ओमिक्रॉन हल्का संक्रमण, घबराए नहीं। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को लेकर एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने चेतावनी दी है। डायरेक्टर गुलेरिया ने बुधवार को लोगों को ना घबराने की भी सलाह दी है। इसी बीच आपको बता दें, हालांकि उन्होंने कहा है इससे सावधान रहने की बेहद जरूरत है। एम्स की तरफ से जारी वीडियो संदेश में गुलेरिया के नए साल की शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा, मैं सभी को आने वाले नए साल 2022 की शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही साथ आप सभी का ध्यान रखने की भी सलाह देता हूं। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ऐसे ही ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए पंजाब केसरी के साथ।